नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। हेलो सीएम को फोन दो। हाँ जस्ट अ मिनट मैडम, आपके लिए फोन है। हेलो कौन बात कर रहा है? मैं कौन बोल रहा हूँ ये जानने की बजाय आप ये पूछिए कि मैं क्या चाहता हूँ। क्या चाहते हो तुम? अपने बड़े भाई शंकर तांडिया की रिहाई, जिसे आपकी चहेती पुलिस ने अभी अभी गिरफ्तार किया है। क्या बकते हो तुम? शंकर तांडिया कानून का मुजरिम है और इसे किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जा सकता। कीमत की बात मत कीजिए, कीमत तो मैं आपको ऐसी दे सकता हूँ जिससे आप अपना ईमान और धर्म बेचने के लिए मजबूर हो जाएंगी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? गुस्सा आ गया ना, मुझे भी ऐसे ही गुस्सा आया था। अभी आपका गुस्सा ठंडा करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा रेडियो कार्यक्रम सुनाता हूँ, जिससे आपका गुस्सा तो ठंडा हो जाएगा पर आपका बदन पसीने पसीने हो जाएगा। सुनिए। सुन लिया ना आपने, आपकी चहेती बेटी मेरे कब्जे में है। अगर आप उसकी सलामती चाहती हैं तो मेरे भाई को फौरन छोड़ दीजिए। वैसे कानून भी यही कहता है, भले ही 100 गुनाहगार छूट जाएं, पर एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। गायत्री देवी जी सोच लीजिए, मैं आपको सोचने के लिए 6 घंटे की मोहलत देता हूं। हेलो मैडम, मैं तो यही कहूंगा कि गणेश तांडिया की बात मान लेनी चाहिए। मगर पांडे जी, अगर मगर छोड़िए मंत्री महोदय, ये वक्त सोचने का नहीं है। शंकर तांडिया की रिहाई से ज्यादा जरूरी आपके बेटी की जिंदगी है। एक गुनहगार को सजा देने के लिए एक मासूम की जिंदगी कुर्बान मत कीजिए। मेरी बात मानिए मंत्री महोदय। मैं पांडे जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं। मैडम, पांडे का फोन किसी वक्त भी आ सकता है, आपसे वो जो भी शर्त रखे फौरन मान जाइए प्लीज। बाकी मुझ पे छोड़ दीजिए। अजीत की बात से मैं भी सहमत हूं, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। ये जरूर उसी का फोन है। हेलो, आपने क्या फैसला किया गायत्री देवी? शंकर तांडिया का फैसला मैं नहीं, अदालत करेगी। लेकिन तुम एक बात भूल रही हो, तुम्हारी बेटी इस वक्त मेरे कब्जे में है लेकिन उसकी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है। तुम चाहोगी तो वो हस्ती खेलती नजर आएगी, वरना हाँ हाँ मार दो, मगर मैं अपने फर्ज से गद्दारी हरगिज नहीं करूंगी। आप ये क्यों भूल जाती हैं कि आप एक मां भी हैं और मां का सबसे बड़ा फर्ज है उसके बच्चे की जिंदगी। ये सिर्फ तुम जैसे गद्दार की निगाह में होगा, लेकिन गायत्री देवी अपनी बच्ची को बचाने के लिए अदालत, कानून और अपने आदर्शों को रुस्वा होते नहीं देख सकती। तो फिर ठीक है, मैं भी कल अपने भाई की रिहाई का इंतजार करूंगा। ठीक 12 बजे जो फ्लाइट हांगकांग जाती है उसमें आप मेरे भाई को भिजवाने का इंतजाम करेंगी, और उस फ्लाइट के उड़ जाने के बाद आपकी बेटी आपको सही सलामत मिल जाएगी। क्या कह दिया आपने? आप नहीं जानती वो लोग पिंकी को मार डालेंगे, तो मार डाले। मैं अपनी बच्ची को बचाने के लिए देश के गद्दारों से समझौता नहीं करूंगी। समझौता करने की बात कौन कर रहा है मैडम, लेकिन पिंकी को बचाना भी तो हमारा फर्ज है। एक बात सुन लीजिए, मैं पिंकी को भी बचा कर लाऊंगा और तांडिया को भी हिंदुस्तान से बाहर नहीं जाने दूंगा। ये रही क्रिमिनल रिकॉर्ड्स की फाइल, ये है करीम खान। 10 साल पहले जब ये इटारसी से आया था तो फारस रोड पर कबाब बेचता था। आजकल पूरे रेड लाइट एरिया पर इसी की हुकूमत चलती है। और ये है डैनियल, राजावाड़ी का सबसे बड़ा दादा। और ये है मटका किंग वसंत मोरे,
भैया ये तीनों के तीनों डेफिनेटली तांडिया ब्रदर्स के साथ मिले हुए हैं। ये तो शहर का बहुत बड़ा बिल्डर है। बड़ा बिल्डर होने के साथ साथ ये एक इज्जतदार आदमी भी है। लेकिन भैया सिर्फ 3 साल पहले ये तांडिया ब्रदर्स की एक कंपनी में एक मामूली क्लर्क था। नहीं 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 मैं मुझे मत मारो। कहाँ है पिंकी? मुझे नहीं मालूम। मुझे नीचे मत छोड़ना, मैं मर जाऊंगा। नहीं बताएगा तो भी छोड़ दूंगा। बताता हूँ, पिंकी को गणेश तांडिया ने मुकेश मिल में छुपा कर रखा है। वही मिलेंगे। मुझे नीचे मत छोड़ना। आजा पिंकी। और चारों तरफ फैल जाओ। फास्ट फास्ट फास्ट। अच्छा हुआ आप आ गए। और लोगों ने पिंकी को यहां नीचे छुपा रखा था। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि यह अपहरण आप ही ने किया हो। कैसा मजाक कर रहे हैं आप? भला मैं अपनी भांजी का अगवा क्यों करूंगा? लालची इंसान का रिश्ता सिर्फ दौलत से होता है और ऐसे रिश्ते उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। प्लीज डोंट टॉक नॉनसेंस। इतना गुस्सा क्यों कर रहे ऑफिसर? मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुमने इस लड़की को अगवा क्यों किया। क्योंकि तुम इसका कत्ल कर देना चाहते हो। पिंकी 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 बेटे पिंकी पिंकी पिंकी, पिंकी।
पिंकी। मिस्टर अजीत सिंह, मुर्दे बोला नहीं करते। यू बास्टर्ड, मैं पिंकी की क्या जवाब दूंगा? क्या होगा? पिंकी कहाँ है? और हम साथ में हैं। इसने हमारी बच्ची को मार दिया। बारह कुत्ते, बारह साले। कुछ नहीं होगा, इससे आगे और भी कुछ होना बाकी है। आपकी ईमानदारी और वफादारी के बदले में इन पुलिस वालों ने अच्छा इनाम दिया है आपको। भाभी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरा भैया निर्दोष है, कानून इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। आरती, जिन लोगों ने मेरे खिलाफ साजिश की है वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकते, और दीदी इस बात को कभी नहीं मानेगी कि पिंकी का खून मैंने किया है। भी यही सोच रही हैं कि पिंकी का अगवा मैंने करवाया है और उसका खून भी मैंने किया है। मुझे फंसाने के लिए डीसीपी चतुर्वेदी ने भयानक खेल हमारे साथ खेला है। मैं तो पिंकी को तांडिया के खुफिया अड्डे से बचा कर ला रहा था कि अचानक डीसीपी सामने आ गया और उसने हमारी पिंकी का खून कर दिया। कहानी तो अच्छी बनाई है तुमने, मगर पुलिस ने तुम्हारे घर से जो 25 लाख रुपए बरामद किए वो कहां से आए तुम्हारे पास? ये क्या कह रही हैं आप? तुम्हें उस जगह के बारे में कैसे पता चला जहां गणेश टांडिया ने पिंकी को छुपा के रखा था? और अगर गणेश टांडिया की खुफिया जगह के बारे में तुम्हें पता चल भी गया था तो तुमने इसकी खबर पुलिस को क्यों नहीं दी? पिंकी को गणेश टांडिया के चंगुल से छुड़ाना तुम्हारा नहीं, पुलिस का काम था। जब तक पुलिस फोर्स वहां पहुंचती हो सकता है वो पिंकी को खत्म कर देते। भगवान के लिए मुझे गलत मत समझो दीदी। मत कहना दीदी मुझे, तुम्हारे मेरे बीच जो भाई बहन का रिश्ता था वो पिंकी की मौत के साथ खत्म हो गया। योर ऑनर, मुल्जिम अजीत सिंह एक खतरनाक इंसान है,
एक तरफ ये सीएम साहिबा का वफादार बॉडीगार्ड बनकर उनसे ढोंग करता रहा और दूसरी तरफ दुश्मनों के साथ मिलकर उन्हीं की बेटी को अगवा किया। ये झूठ है, सरासर झूठ है योर ऑनर। ये सच है। क्या पिंकी को तुमने अगवा नहीं किया? क्या पिंकी की तुमने हत्या नहीं की? वो नन्ही सी जान, वो मासूम बच्ची मेरी बेटी की तरह थी, मैं उसका खून कैसे कर सकता हूं जज साहब? योर ऑनर, ये रही 25 लाख रुपए की वो रकम जो अजीत सिंह के घर से बरामद हुई थी। योर ऑनर, इतनी बड़ी रकम देखकर किसी भी इंसान की नीयत खराब हो सकती है। अजीत सिंह ने लालच में आकर अपने पेशे और अपने देश से गद्दारी की है। योर ऑनर, यह है वो रिवॉल्वर जिससे गोली चलाई गई और यह है वो फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट जिसमें मुलजिम के उंगलियों को निशान पाए गए। योर ऑनर, अब इस मुकदमे का पहला गवाह पेश करना चाहता हूं जिसका नाम है राहुल। माय बाप, अपन जो कुछ भी कहेगा ना, टोटल सच कहेगा, उसमें एक पैसे का भी झूठ नहीं होगा। मिस्टर राहुल, आप अजीत सिंह को कब से जानते हैं? वकील साहब, अपन उस मनुष्य घड़ी को कोस रहे हैं जब अजीत सिंह जैसे क्रिमिनल के साथ अपन का मुलाकात हुआ। इस आदमी ने अपन को 10,000 का लालच दिया और कहा कि एक नन्ही सी बच्ची को उठाकर इसके पास पहुंचाना है। भूख और बेकारी ने मेरा बुरा भला सोचने की ताकत छीन ली और अपन ने फौरन हाँ कर दी और उस बच्ची को, क्या नाम था, हाँ पिंकी, इसकी बतावी जगह पर फौरन पहुंचा दिया। थैंक यू मिस्टर राहुल, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू माय बाप। योर ऑनर, अब इस केस के एक अहम गवाह को पेश करने की इजाजत चाहता हूं जिसका नाम है डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस मिस्टर चतुर्वेदी। इजाजत है। मिस्टर चतुर्वेदी, क्या आपने अपनी आंखों से अजीत सिंह को पिंकी का कत्ल करते हुए देखा था? यस सर ऑनर, जब मैं मौके वारदात पर पहुंचा तो मैंने अजीत सिंह के हाथों में रिवॉल्वर देखा और सामने खड़ी मासूम पिंकी चिल्ला रही थी, अंकल मुझे मत मारो, मुझे मत मारो अंकल, मुझे मेरी मां के पास ले चलो। लेकिन इस सालिम आदमी के दिल में जरा भी रहम नहीं आया योर ऑनर। इससे पहले कि मैं इस पर हमला करूं, इसने पिंकी पर गोली चला दी। पिंकी का कातिल तू है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, आई से स्टॉप इट। इससे बड़ा सबूत आपको और क्या चाहिए? दिस इज कंटेंट ऑफ द कोर्ट। तमाम सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम अजीत सिंह वल्द बलजीत सिंह ने मासूम पिंकी का अगवा किया और उसे बेरहमी से कत्ल कर दिया। इसलिए अदालत मुलजिम अजीत सिंह वल्द बलजीत सिंह को ताजिरात-ए-हिंद दफा 302 के तहत मुजरिम करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है। चाय ले लीजिए आपा, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, आज से आप यहीं रहेंगी हमारे पास, आपको यहां कोई तकलीफ नहीं होगी। ये कैसा अनर्थ है, मुझे तो उनकी चिंता है, उन्हें उस पाप की सजा मिल रही है जो उन्होंने किया ही नहीं। भाभी आप हिम्मत से काम लीजिए, भाभी भैया को जो ये उम्र कैद की सजा मिली है ये कानून की आखिरी मंजिल नहीं है। आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं ये केस रीओपन करवाऊंगा और अपने भाई को निर्दोष साबित करूंगा। आप बार बार मुझसे एक ही सवाल क्यों पूछ रहे हैं? मैं कितनी बार कह चुका हूं अदालत में मैंने झूठ नहीं बोला था। तुमने अदालत में भी झूठा बयान दिया और अब भी झूठ बोल रहे हो। देखो राहुल, हालांकि तुम पर जावेद के कत्ल का इल्जाम है लेकिन शक्लो सूरत से तुम पेशेवर मुजरिम नहीं दिखते। मुझे पूरा यकीन है
या तो किसी के दबाव में आकर तुमने ये झूठा बयान दिया है, या फिर तुम किसी गहरी साजिश में फंस गए हो। मुझे सच बात बता दो, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। आप फिजूल में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। ना ही मुझे किसी का डर है और ना ही किसी के दबाव में आकर मैंने सब कुछ किया है। जो सच था वो मैं बता चुका हूं। ठीक है, अगर तुम सच्चाई से पर्दा नहीं उठाना चाहते तो वैसे मैं आज तुम्हें एक बुरी खबर देने आया था। वो जो लड़की थी ना तुम्हारे साथ, एक रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। उसकी लाश इस वक्त गवर्नमेंट हॉस्पिटल के मुर्दाघर में पड़ी है, उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। अगर तुम उसके माता पिता के बारे में कुछ जानते हो तो बता दो, वरना हमारा डिपार्टमेंट उसका अंतिम संस्कार लावारिस लाश। नहीं साहब, वो लावारिस नहीं है। मैं बताता हूं आपको उसके बारे में। मेरे ख्याल से आप मिस रश्मि गोयल हैं। यस। मेरा नाम सलीम हिंदुस्तानी है, इंस्पेक्टर सलीम हिंदुस्तानी। मिस्टर राहुल वर्मा के बारे में आपसे कुछ बातचीत करनी थी। राहुल कहाँ है? राहुल वो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है।